नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इसमें भारत में प्रादेशिक नियोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने जो भी लेक्चर्स आए हैं उनमें अपन ने नियोजन के प्रकार देखे हैं, नियोजन के सिद्धांत देखे हैं। इससे पहले भी अपन ने एक सिक्वेंस देखी थी, वो सिक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। परसेप्शन, फिर है रिविलेशन और फिर है प्रिपरेशन और फिर एग्जीक्यूशन। ये प्लानिंग की एक सिक्वेंस है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, तो इसको आप प्रेप एग्जाम से भी याद रख सकते हो। प्रेप एग्जाम, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इस हिसाब से। तो पी से हो जाएगा परसेप्शन, फिर आर ई से हो जाएगा रिविलेशन, और फिर पी से हो जाएगा प्रिपरेशन, और फिर एग्जाम से हो जाएगा एग्जीक्यूशन। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, आप इनको याद रख सकते हो अपने हिसाब से भी। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, भारत में जो जो विद्वान हैं उन्होंने नियोजन पे कार्य किया है, भारत को किस प्रकार से अपन मेसो मैक्रो लेवल्स जो पढ़े थे अपन ने हायरार्की के रीजन के, उसके हिसाब से अपन डिवाइड करें और फिर उसमें जो भी प्रादेशिक नियोजन है उसका वर्क करें। तो भारत में प्रादेशिक नियोजन का वर्क है आज की क्लास में अपना, देखते हैं अपन। डिटेल में लेक्चर होगा और मैप्स के थ्रू अपन कोशिश करेंगे, और इससे पहले भी जो भी अपन ने थिंकर्स पढ़ रखे हैं उनको भी अपन रिवाइज करेंगे साथ में, ताकि अपन को जो पहले वाले जो एसपी चटर्जी हैं, बीएलएस प्रकाश राव हैं, आरपी मिश्रा हैं, कौन कौन से उनकी रिलेटेड बुक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्टेटिक्स में वर्क है उनका, रीजनल प्लानिंग में उनका वर्क है, तो वो देखेंगे अपन। तो रीजनल प्लानिंग, भारत के नियोजन प्रदेश, भारत के नियोजन प्रदेश में विकासशील देशों के लिए प्रादेशीकरण का विशेष महत्व होता है, ये अपन को पता है। विकसित देशों में प्रादेशीकरण है वो एक अलग लेवल पे है, जबकि विकासशील देशों में जो बहुत सारी असमस्याएं हैं, आर्थिक असमानता है, तो उनके कारण विकासशील देशों में प्रादेशिक नियोजन विशेष प्रकार का होता है। क्योंकि विकसित देशों में तो सब कुछ विकास हो जाने के बाद जो अलग समस्याएं हैं वहाँ की समस्याएं अलग है, जबकि विकासशील देश हैं उनमें अभी भी विकास होना बाकी है, वहाँ पर विकास की प्रबल संभावनाएं हैं, वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का लेवल है वो उच्च नहीं है। तो इस प्रकार से विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग लेवल की हैं। तो अपन देखते हैं भारत में जो प्रादेशिक नियोजन है वो कहाँ से शुरुआत मानी जाती है। जो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, थर्ड जो 5 ईयर प्लान है, उसमें स्पेस का या क्षेत्र का जिक्र किया गया है। तो यहाँ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र का जिक्र किया गया है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। फर्स्ट अपने इसमें है बीएलएस प्रकाश राव, 1949 में सबसे पहले इन्होंने नियोजन की दृष्टि से प्रदेशों को महत्वपूर्ण बताया था कि किस प्रकार से अपन एक पूरा जो अपना रीजन है जिसमें अपने को प्लानिंग करती है उसको अपन भागों में बांटे, सूक्ष्म लघु इस प्रकार से, स्थूल सूक्ष्म या फिर मध्यम स्तर के, और फिर अपन उनका नियोजन करें। तो नियोजन की दृष्टि से प्रदेशों के महत्व को सर्वप्रथम बताया, और इन्होंने बताया कि प्रादेशिकता का जो कंसेप्ट है वो एक मोबाइल कंसेप्ट है, मोबिलिटी होती है उसमें, बहुत ज़्यादा गतिशीलता होती है, और उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो क्षेत्र के संसाधन है उनका मैक्सिमम जो यूज़ है या ऑप्टिमाइज जो यूज़ है वो करना एक प्रादेशिक जो नियोजन है उसका उद्देश्य होता है। और ऐसे प्रादेशिकता हेतु प्रादेशिक इकाई, जो अपन ने एक क्षेत्र डिसाइड किया है, एक रीजन डिसाइड किया है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें या तो भौतिक या फिर स्थलाकृतिक प्राकृतिक समानताएं होनी चाहिए, या फिर समस्याएं जो है वहाँ पर आर्थिक समस्याएं हैं उनमें एकरूपता होनी चाहिए। तो इन्होंने दो बेसिस लिए हैं, या तो वो प्रदेश है वो प्राकृतिक रूप से समानताएं पाई जाए उनमें, या फिर उसमें जो समस्याएं हैं वो पूरा जो एक समस्याग्रस्त क्षेत्र है उसका नियोजन करेंगे अपन। तो समस्या के आधार पर हो सकता है और प्राकृतिक जो उसका स्वरूप है उस आधार पर भी नियोजन किया जा सकता है। ये बीएलएस प्रकाश राव का विचार है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, 1961 में रामचंद्रन ने पहली बार भारत को 5 स्थूल प्रदेशों में बांटा। तो उन्होंने तो प्रदेश को महत्व दिया और इन्होंने 5 स्थूल प्रदेश हैं वो सबसे पहले रामचंद्रन ने बताए 1961 में। अब ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो प्रदेश को महत्व कब दिया गया, तो ये आपको आएगा 1949, स्वतंत्रता के जस्ट बाद जो है प्रदेशों के महत्व की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंस देने जो है विचारक थे, जो भी प्रमुख नियोजक थे, उन्होंने इस बात पर गौर किया। फिर 1961 में रामचंद्रन ने 5 स्थूल प्रदेश बताए। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पी सेन गुप्ता का वर्क, 1962 में इन्होंने यूएसएसआर जो था पूर्व सोवियत संघ, उसकी गैलेना सदास्यूक के साथ मिलकर जो सोवियत योजना है उसके हिसाब से इन्होंने जो भारत का प्रादेशीकरण किया था। गैलेना सदास्यूक यूएसएसआर की है, पूर्व सोवियत संघ की। तो इन्होंने इस योजना के आधार पर भारत को त्रिस्तरीय प्रदेशों में बांटा था, त्रिस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और यहाँ बताया 1962 में आता है इनका वर्क, फिर 1968 में आएगा, और फिर 1970 में आएगा। तो ये अलग अलग है। 1962 में तो इन्होंने 6 वृहद या मैक्रो जो सबसे हायरार्की में सबसे मोस्ट जो सुपर लेवल है या हाईएस्ट लेवल है वो बताया इन्होंने, हाईएस्ट लेवल है मैक्रो वो बताया 6। और फिर 1960 में, फिर 68 में इन्होंने त्रिस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और फिर 1970 में 19 जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए हैं। तो ये अपन फिर देखेंगे डिटेल में, यहाँ मैंने जस्ट इसको रिलेट कर पाए अपन कि इनका 3 बार वर्क आएगा पी सेन गुप्ता का। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो रामचंद्रन और पी सेन गुप्ता हैं, इन्होंने जो प्रादेशीकरण किया वो राज्यों की जो सीमा है या फिर अपन कह सकते हैं प्रशासनिक सीमा के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था, क्योंकि जो डाटा होते हैं वो क्या होते हैं, राज्य स्तर पर ही उपलब्ध होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया
की परियोजना के क्रियान्वयन में और जो डेटा जो कलेक्शन है उसमें क्या राज्य सरकार होती है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इन्होंने राज्य की जो प्रशासनिक सीमा होती है उस आधार पर वर्गीकरण किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा अपने से। नेक्स्ट अपने पी सी एन गुप्ता का वर्क देख लिया। पी सी एन गुप्ता के बाद अपन देखते हैं बी एल एस प्रकाश राव का देख लिया था। अब बी एल एस प्रकाश राव व एल एस भट्ट ने मिलकर 1964 में इन दोनों ने मिलकर भारत को 11 स्थूल यानी मैक्रो ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी अपने को ध्यान रखनी है, और 51 मेसो स्तर के प्रदेशों में विभाजित किया, मेसो स्तर के प्रदेशों में विभाजित किया। अब देखिए एक बात नोट करने वाली है कि अभी तक किसी ने त्रिस्तरीय वर्गीकरण नहीं किया है, यहाँ द्विस्तरीय वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया है, द्विस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया है प्रकाश राव व एल एस भट्ट ने। अब इनका आधार पूछा जाता है अपने एग्जाम में, तो इन्होंने क्या आधार माना है कि एक ही प्रदेश के सभी भागों में अधिकतम समानताएं होनी चाहिए। जैसे कि अपन ने एक प्राकृतिक प्रदेश लिया है, एक प्राकृतिक प्रदेश ले लिया अपन ने, जैसे छोटा नागपुर का पठार अपन ने लिया, तो छोटा नागपुर का पठार जो लिया है तो वो अपने से जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे तो विशिष्टता रखेगा, और इस जो प्रदेश में मैक्सिमम जो समानताएं हैं वो पाई जाएगी, यहाँ पर एक ही प्रकार का खनन होगा, एक ही प्रकार की जो जनजाति है वो निवास करेगी, यहाँ का जो भी सांस्कृतिक सामाजिक या आर्थिक स्तर है वो क्या होगा एक प्रकार का, तो इस प्रदेश में तो अधिकतम समानताएं हैं। और ये दूसरा जो प्रदेश है अपन ने एक दूसरा प्रदेश लिया है, दूसरा प्रदेश लिया है उससे ये बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से इनका क्या मानना था कि एक प्रदेश के अंदर तो अधिकतम समानताएं होनी चाहिए, और जो दूसरा प्रदेश है या विभिन्न जो अपन प्रदेश लेंगे तो उनमें आपस में अधिकतम असमानताएं होनी चाहिए, तो ये इनका आधार है। तो मोस्ट तो अपने यही पूछा जाता है कि कितने भागों में वर्गीकृत किया और उनका आधार क्या था। नेक्स्ट अपने हैं वीनाथ, प्रकाश राव व एल एस भट्ट के बाद है वीनाथ, इन्होंने 1964 में ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 1964 ईयर भी अपने को पूछा जाता है कभी कभी, तो ये बिल्कुल 1949 से शुरू किया था अपने, तो उसके बाद से अपन को याद रह जाएगा ये 1949 के बाद से ही है। तो इन्होंने क्या बताई, 15 तो इन्होंने मैक्रो लेवल बताए हैं, 15 मैक्रो लेवल हैं, 61 मेसो है, तो इन्होंने भी द्विस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, द्विस्तरीय वर्गीकरण है इनका भी, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है किसने द्विस्तरीय दिया है, किसने त्रिस्तरीय, फिर आगे चतुर्स्तरीय भी आएगा, चार स्तर भी बताए हैं जिन्होंने। तो इनका आधार क्या है, आधार है इनका एक तो भौतिक आधार लिया इन्होंने, तो भौतिक में क्या क्या आ सकता है, वहाँ की स्थलाकृति या प्राकृतिक जो स्वरूप है वो कैसा है, उसमें क्या आ जाएगा मृदा जलवायु भूगर्भीय परिस्थितियाँ क्या है वो आ जाएगी, और एक इन्होंने लिया है भूमि का कृषि उपयोग और फसलों का प्रतिरूप। भूमि का कृषि उपयोग का मतलब होता है कि वहाँ पर जो लैंड यूज़ है, जो एग्रीकल्चर लैंड यूज़ है वो किस प्रकार का है, वहाँ पर जो फसलें हैं वो किस प्रकार का पैटर्न पाया जाता है, वो पूरे साल जो है वो कृषि की जाती है या कुछ समय के लिए कृषि की जाती है, अगर कृषि की भी जाती है तो किस प्रकार की कृषि की जाती है, मतलब पूरा जो लैंड है उसमें कितना परसेंट जो लैंड है वो एग्रीकल्चर से ऑक्यूपाइड किया गया है। तो इस प्रकार से वीनाथ ने ये दो आधार लिए हैं, एक तो भौतिक आधार है और दूसरा है भूमि का कृषि उपयोग, और इनका जो भी वर्गीकरण है वो किन्होंने अमान्य कर दिया, तो ये भी पूछा जा सकता है। TCPO ये इनका इस एक जो संस्था है नगर ग्रामीण नियोजन संगठन, TCPO ने इनका वर्गीकरण अमान्य कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, और बाद में ये जो TCPO है इसको अपन URPO रूरल अर्बन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी पढ़ेंगे, और यहाँ है ये टाउन कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ तो है नगर ग्रामीण नियोजन संगठन और बाद में ये URPO हो जाएगा। तो इन्होंने क्या है कि प्रशासनिक सीमा पर होने के आधार पर इसको अस्वीकार कर दिया। ये जो वीनाथ है इन्होंने ये जो 61 प्रदेश बताए हैं ये क्या है कि निम्न स्तर के जो प्रशासनिक इकाई होती है, जैसे तहसील हो गई या फिर जिला हो गया या ब्लॉक हो गया, तो उस प्रकार से ब्लॉक की सीमा या फिर तहसील की सीमा इस प्रकार से इन्होंने शामिल कर लिया था, तो वो एक प्रशासनिक इकाई होती है। जबकि पी सी एन गुप्ता ने और जो URPO है इनका ऐसे मानना है कि कोई भी अगर अपन प्रदेश ले रहे हैं, जैसे प्रदेश का एक अपन ने लघु स्तर का एक प्रदेश लिया है, तो उसका जो भी एक एरिया अपन डिसाइड करेंगे तो वो प्रशासनिक न होकर प्राकृतिक आधार होना चाहिए, उसका प्रशासनिक नहीं होना चाहिए, तो ये बेसिक जो रूल है नियोजन का उसको फॉलो नहीं करते, तो इस कारण इसको अस्वीकार कर दिया गया था। पी सी एन गुप्ता ने क्या कहा कि जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों का प्रदेशीकरण को आधार नहीं मानने के कारण अस्वीकार कर दिया। इन्होंने जो अपना ये बताया 61 मेसो स्तर और 15 मैक्रो लेवल के जो प्रदेश बताए उसमें इन्होंने जल और ऊर्जा संसाधनों को प्रदेशीकरण का आधार नहीं माना था, इसलिए इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो ये अपने से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किसको कौन सा है जो अस्वीकार्य है, किसमें द्विस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, तो एक बार अपने इसको देख लें यहाँ, और फिर अपने इसको याद भी रख लेंगे एक साथ, मैं इनको बताऊंगी तो आपको समरी टाइप में याद भी हो जाएगा। तो यहाँ ये टेंशन नहीं लेनी है कि किस प्रकार से याद होगा, यहाँ जस्ट आप देखो किसने कितने लेवल बताए हैं। अशोक मित्रा को अपन ने पढ़ा था पहले भी, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ईस्ट जो पूर्वी बंगाल है स्वतंत्रता से पूर्वी बंगाल में इनका जन्म हुआ था ढाका में, तो ये भी अपन देखेंगे, इनका फिर एक शॉर्ट अपन इंट्रोडक्शन लेंगे। इन्होंने कितने भागों में बांटा है, 7 तो इन्होंने मैक्रो बताए हैं, 24 मेसो प्रदेश बताए हैं, और 64 इन्होंने लघु स्तर के या माइक्रो जो लेवल के प्रदेश बताए हैं। इन्होंने किसको आधार माना है, प्राकृतिक प्रदेश तो इन्होंने मूल आधार माना है, और उन इसके साथ साथ प्राकृतिक के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास और उपलब्धियों का भी प्रयोग किया है इन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि निम्न में से कौन से विद्वान ने प्राकृतिक प्रदेशों को मूल आधार मानते हुए प्रदेशों के सामाजिक आर्थिक विकास व उपलब्धियों को भी समान महत्व दिया, तो अपने को अशोक मित्रा करके आना है। इससे पहले अपन ने इनका टर्शियरी डायग्राम भी पढ़ा था अशोक मित्रा का, तो आपको याद होगा। याद नहीं है तो फिर से लेक्चर को रिवाइज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चेक कर सकते हैं सभी लेक्चर्स को। नेक्स्ट देखते हैं अपन 1966 में नाटमो एक नेशनल एटलस थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से एक ये इंस्टीट्यूट है, और इसके निदेशक थे एसपी चटर्जी, और इस टाइम एसपी चटर्जी ने चतुर्स्तरीय योजना प्रस्तुत की थी। इससे पहले अपन ने चटर्जी को पढ़ा था और अपन ने बताया था कि इन्होंने मेघालय का नामकरण किया था। नेक्स्ट देखते हैं 1967 में ही एसपी चटर्जी ने सांख्यिकी विधि तंत्र को प्रादेशीकरण का मुख्य आधार माना, और सांख्यिकी विधि तंत्र में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया, रिग्रेशन एनालिसिस, समाश्रण विश्लेषण, उपादान विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस तथा बहुचरीय विश्लेषण मल्टीवेरिएंट एनालिसिस विधियों का प्रयोग किया। ये सभी विधियाँ हैं अपन जो प्रादेशिक नियोजन की जो विधियाँ हैं कौन कौन सी उनमें इनको फिर देखेंगे। तो यहाँ अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एसपी चटर्जी ने सबसे पहले सांख्यिकी विधि तंत्र को आधार मानते हुए प्रादेशीकरण किया था 1967 में, और फिर 1968 में पाल हैं एक विचारक या नियोजक, उन्होंने चटर्जी द्वारा बताए गए जो ये भी सांख्यिकी मेथड यूज किए थे इन्होंने, उन्हीं का विश्लेषण करते हुए आर्थिक विकास का एक सामान्य सूचकांक तैयार किया जिसमें 7 अकृष्य निर्देशकों का प्रयोग किया। देखिए इससे पहले प्राकृतिक देख लिया अपन ने और वीनाथ थे, उन्होंने सबने क्या माना, कृषि प्रतिरूप को महत्व दिया, और यहाँ अकृषि है इन्होंने नॉन एग्रीकल्चर जो इंडेक्स होती है वो यूज करी थी, नॉन एग्रीकल्चर, तो ये आपने इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉन एग्रीकल्चर। और इन्होंने सामान्य सूचकांक आर्थिक विकास के सूचकांक सबसे पहले इंडेक्स है जो किसने यूज करी थी, पॉल ने यूज करी थी, और किसके मेथड के अकॉर्डिंग, चटर्जी के मेथड के अकॉर्डिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आपको सारे जो भी कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से देखना है, कोई भी कंसेप्ट अपना मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपने आते हैं पी सेन गुप्ता का वर्क। पी सेन गुप्ता 1968 में, पहले 1962 में भी इनका वर्क देखा था अपन ने 1962 में, और अब अपन फिर इनको 6 ईयर बाद देख रहे हैं 1968 में, और फिर 1970 का भी इनका वर्क देखेंगे अपन, तो ये भी अपन को एज इनका जो ईयर है वो भी ध्यान रखना है। पी सेन गुप्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने, इन्होंने त्रिस्तरीय वर्गीकरण 1968 में प्रस्तुत किया है, माइक्रो, मेसो और मैक्रो तीन लेवल बताए हैं। गैलेना सदस्य जो है यूएसएसआर की, उनके विचार के अनुसार इनका वर्क है, और इन्होंने प्रादेशीकरण के कौन कौन से आधार लिए और किसको महत्व दिया वो देखते हैं अपन। तो इनके प्रादेशीकरण के 5 आधार हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का जो महत्व है वो इन्होंने बताया। आधार हैं कौन कौन से, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि प्राकृतिक प्रदेश की पहचान करनी चाहिए, नियोजन कार्य के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्राकृतिक प्रदेश की पहचान करेंगे, और जो नियोजन का कार्य है वो लघु स्तरीय प्रदेशों से शुरू होना चाहिए, जबकि अपन जो भी देखेंगे ना नियोजन उसमें सबसे पहले मैक्रो जो लेवल का प्रदेश है वो डिसाइड किया जाता है, क्योंकि लघु स्तरीय जो प्रदेश है उसका निर्धारण करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और फिर जो भी अपन देखेंगे सर्वमान्य जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें भी यही बुराई देखेंगे, या फिर उसकी आलोचना का यही कारण है कि मैक्रो से शुरू होते हैं सभी के सभी, लघु से नहीं शुरू होके, माइक्रो से शुरू नहीं होके, मैक्रो से शुरू होते हैं, ये सब में अपन कमी निकालेंगे, आलोचना में लिख सकते हैं अपन। तो इन्होंने क्या बताया कि लघु स्तरीय प्रदेश से शुरू होना चाहिए, सबसे पहले प्राकृतिक जो आधार है वो मूल होना चाहिए, और फिर इन्होंने क्या बताया कि नियोजन प्रदेशों की सीमाएं एक दूसरे को काटती हुई नहीं होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या बताया कि जैसे अपन ने एक लघु प्रदेश ले लिया, तो एक लघु या दो, एक लघु हो गया फिर एक लघु प्रदेश और अपन ने डिसाइड किया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक मेसो लेवल का मध्य स्तर का प्रदेश बनाएंगे, और दो या दो से अधिक मेसो लेवल के बनके क्या बनाएंगे, मैक्रो लेवल का जो प्रदेश है अपना एक बड़ा जो वृहद स्तर का प्रदेश है वो बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये नहीं है कि अगर ये लघु प्रदेश है तो इसको यहाँ से हटा के अपन इतना पार्ट लेके मेसो बना दें, फिर मेसो का भी थोड़ा ऐसे पार्ट लेके मैक्रो बना दें, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। नियोजन प्रदेशों की सीमाएं काटती हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन को जो विकास करना है वो एक पूरे प्रदेश का विकास करना है, तो अगर सीमाएं काटती हुई होगी तो वहां पर प्रशासनिक और राजनीतिक बहुत प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, उसको उसकी जो सीमाएं हैं वो एक मध्य स्तर के प्रदेश में शामिल की जा सकती हैं, और मध्य स्तर का प्रदेश है उसकी सीमाएं एक वृहद स्तर का जो प्रदेश है उसमें शामिल की जा सकती हैं, तो सीमाएं काटते हुए नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो फोर्थ और फिफ्थ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने भी इतना महत्व नहीं दिया इसको, बट अपन देखते हैं एक बार इन्होंने क्या बताया, वही जो मैंने अभी भी बोला है कि लघु स्तरीय प्रदेश पूर्ण रूप से मध्य स्तर में शामिल होने चाहिए मैसो लेवल में, और जो मैसो लेवल के जो प्रदेश हैं वो किस में शुरू होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए, मैक्रो लेवल में शामिल होने चाहिए। यही जो मैंने बोला कि सीमा काटती हुई नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट है ये इन दोनों को भी डिस्क्राइब कर देता है, तो अपन को इतना ध्यान ही रखना, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते अपन 1970 में ही पी सेन गुप्ता ने क्या बताया, जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए, तो ये पूछा जा सकता है अपने से, जनसंख्या संसाधन प्रदेश कितने बताए, 19 बताए, और उनका आधार क्या था, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, संसाधन क्षमता और सामाजिक आर्थिक विकास, ये 4 इनके आधार हैं। जनसंख्या व संसाधन सम्मिश्रण से इनको बताया, और प्रादेशिक तंत्र को 19 प्रदेशों में विभक्त किया जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो इन्होंने जो 19 प्रदेश बताए उसमें
पांच पांच नौ इस प्रकार से इन्होंने रखे हैं। तो अपन देखते हैं इन्होंने क्या नामकरण या टर्मिनोलॉजी यूज करी है। तो सबसे पहले इन्होंने जो सबसे बड़ा प्रदेश बताया, अपन इसको मैक्रो लेवल का कह सकते हैं, जो मैक्रो लेवल का प्रदेश बताया है उसको इन्होंने नाम दिया है अति गतिशील प्रदेश। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, तीव्र औद्योगिकरण होगा, सबसे ज्यादा जो मोबाइल होगा फ्लेक्सिबल होगा, इसकी सीमाएं है वो भी निरंतर परिवर्तनशील होगी, और यहाँ वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति है वो उच्च होगी, और ये एक प्रकार का महानगर कह सकते हैं अपन, मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, उसको अपन किस में शामिल करेंगे, अति गतिशील प्रदेश है। तो उस टाइम इन्होंने 1970 में ऐसे पांच प्रदेश डिसाइड किए थे, कैसे अति गतिशील प्रदेश के जो मैक्रो लेवल के प्रदेश हैं वो इन्होंने पांच बताए थे। तीव्र औद्योगिकरण का स्तर होगा, इसके बाद है अधिक अपेक्षाओं वाला प्रदेश। अब देखिए उसमें तो क्या था, मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, वहाँ तो सब प्रकार की फैसिलिटीज़ थी, उद्योग धंधे तीव्र थे, उच्च टेक्नोलॉजी थी, हाई टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पर रोजगार के साधन ज़्यादा थे। यहाँ क्या होगा कि इस प्रदेश के पास क्या है, संसाधन तो है, क्षमताएं तो है, परंतु उसका तकनीकी विकास नहीं हुआ है, तकनीकी कमियां हैं वहाँ पे, और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां इस प्रकार की है कि वो लोग क्या है टेक्नोलॉजी से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाए, और वहाँ कुछ जो केंद्र है वो विकसित हो गए हैं, ज़्यादा बड़े कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं बने हैं, पर कुछ जो छित्राई रूप में अपने को कहीं कहीं औद्योगिक केंद्र हैं वो मिलते हैं। लेकिन भविष्य में अगर अपन इन पे वर्क करें तो ये क्या है, बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में भी विकास कर सकते हैं। तो ये अपन ने देख लिया, यहाँ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अधिक अपेक्षा वाले भी पांच प्रदेश बताए उन्होंने, और अति गतिशील भी पांच प्रदेश बताए। नेक्स्ट है समस्याग्रस्त प्रदेश। अब देखिए समस्याग्रस्त प्रदेश नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ विकास की सीमित संभावनाएं हैं, भविष्य में जो विकास है वो भी नहीं दिख रहा है, इनका भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा, और यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, और उच्च जनसंख्या घनत्व है, तो सभी प्रकार की समस्याएं यहाँ हैं। तो इसको इन्होंने क्या बोला, समस्याग्रस्त प्रदेश। और इस प्रकार के इन्होंने नौ प्रदेश बताए हैं, समस्याग्रस्त प्रदेश हैं यहाँ पे नौ। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये अपन ने पढ़े हैं जनसंख्या संसाधन प्रदेश। तो याद रखनी है बात, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, जनसंख्या संसाधन प्रदेश, जनसंख्या और संसाधन के मिश्रण से बने हुए प्रदेश बताए हैं पी सेन गुप्ता ने 1959 रखे हैं इन्होंने, 559, तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप। नेक्स्ट है 1968 में यूआरपीओ और नाटमो, यूआरपीओ जो अपन ने टीसीपीओ पढ़ा था उसी का नाम है यूआरपीओ, टाउन कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन या अर्बन रूरल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसका नाम है। 1968 तक आते हुए ये चेंज हो गया था, और एक नाटमो है। तो इन दोनों ने मिलकर 13 स्थूल प्रदेश बताए थे, मैक्रो लेवल के प्रदेश बताए थे 13, और 1968 में बताए थे। इन्होंने क्या आधार माना है, प्रदेश की स्वावलंबिता, यानी कि प्रदेश है वो अपने जो निवासी है उनको रोजगार देने में, उनको संसाधन उपलब्ध कराने में, उच्च जीवन स्तर उपलब्ध कराने में कितना आत्मनिर्भर है, और आर्थिक सक्षमता है उस प्रदेश में, और पारिस्थितिकी संतुलन भी है इसके साथ साथ। तो ये क्या हो गए, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का अपन ऐसे बोल सकते हैं इनको, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के आधार लिए इन्होंने, सामाजिक आर्थिक और परिस्थिति के आधार पर नाटमो, नेशनल एटलस थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन, नाटमो और यूआरपीओ ने कितने बताए हैं, 13 बताए हैं, 13 1968 में बताए हैं। तो ये अपने से डायरेक्ट पूछा जाएगा, और एक मैचिंग में भी आता है अपने क्वेश्चन, तो मैं वो भी बता दूंगी जब अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो फिर इनको देखेंगे अच्छे से। यहाँ सिर्फ आप एक प्रीव्यू ले लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1971 में LS भट्ट ने त्रिस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब देखिए LS भट्ट से पहले पी सेन गुप्ता है, उन्होंने भी त्रिस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इससे पहले अपन द्विस्तरीय वर्गीकरण पढ़ते आ रहे थे, द्विस्तरीय वर्गीकरण, तो ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहले किसने त्रिस्तरीय दिया और किसका द्विस्तरीय है, किसने चतुर्स्तरीय बताया, तो ये सब ध्यान रखना है अपने को। चतुर्स्तरीय वर्गीकरण अभी तक अपन ने चटर्जी का ही पढ़ा है, चटर्जी का चतुर्स्तरीय वर्गीकरण है, और ये किसके निर्देशक थे ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैंने बता दिया है पहले भी। अब देखते हैं LS भट्ट ने वही बताए हैं मैक्रो, मेसो, माइक्रो में, पांच तो इन्होंने मैक्रो बताए हैं, 11 मेसो बताए हैं, और 52 माइक्रो बताए हैं, तो 5, 11, 52 ऐसे ध्यान रखना है आपको। 1971 में इनका वर्गीकरण है, और इन्होंने क्या आधार लिया है, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक परिस्थितियां, फसलों का प्रतिरूप, उद्योग, नगरीय जमावड़ा आदि के जिला स्तरीय आंकड़े, इन्होंने जिला स्तरीय आंकड़ों के आधार पर ये अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अब डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विचारक ने या किस नियोजक ने प्राकृतिक संसाधन, भौतिक परिस्थितियां और के जिला स्तरीय आंकड़ों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया या त्रिस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो ये LS भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट और सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो है CS चंद्रशेखर का, सर्वमान्य वर्गीकरण है। इनके वर्गीकरण में भी एक आलोचना आती है, इनकी आलोचना ये है कि इन्होंने भी अपना जो प्रादेशिक तंत्र है वो मेसो लेवल जो है, मेसो लेवल नहीं, जो सबसे बड़ा है वृहद स्तर का जो लेवल है उस पर इन्होंने माना है, वृहद स्तर का जो लेवल है मैक्रो लेवल है, मैक्रो लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया, जबकि प्रादेशिक नियोजन का एक मूलभूत सिद्धांत ये है कि लघु स्तर से नियोजन है वो प्रारंभ होना चाहिए, लघु स्तर से नियोजन प्रारंभ होके फिर मेसो और मैक्रो तक जाना चाहिए, तो ये इनकी एक आलोचना है, आलोचना में आप लिख सकते हैं। अब CS चंद्रशेखर का अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये RP मिश्रा है, एक ब्रीफ इंटर इसका अपन बाद में ले लेंगे, पहले अपन चंद्रशेखर के ये देखते हैं, प्रदेश देखते हैं।
तो चंद्रशेखर के प्रदेश देख लेते हैं और इनके जो मुख्य नगर हैं वो भी देखते हैं अपन। इनके प्रदेश में सबसे पहले है दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश, फिर अपन इनका मैप भी देखेंगे। दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश में कोयम्बटूर प्रमुख नगर है, फिर है मध्य प्रायद्वीपीय प्रदेश, इसमें बेंगलोर और हैदराबाद है, फिर पश्चिम प्रायद्वीपीय प्रदेश में मुंबई है, फिर मध्य दक्षिण में नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, और पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश में जमशेदपुर औद्योगिक नगर आ जाएंगे। इसमें सारे जमशेदपुर आ जाएगा, राउरकेला आ जाएगा, भिलई आ जाएगा, सारे के सारे हैं वो पूर्वी प्रायद्वीप में आ जाएंगे। जब अपन मैप देखेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। विशाखापट्टनम भी यहाँ का एक प्रमुख नगर है। गुजरात प्रदेश है उसमें अहमदाबाद और सूरत है। पश्चिमी राजस्थान प्रदेश में जोधपुर बीकानेर गंगानगर है, ये तो अपन ध्यान कर सकते हैं, अपन को पता ही चल जाएगा। अब राजस्थान को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पश्चिमी राजस्थान प्रदेश और अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में इन्होंने जयपुर, अजमेर और कोटा को शामिल किया है। और फिर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश है इसको भी इन्होंने दो भाग बताए हैं। उसमें लद्दाख वाला प्रदेश अलग किया हुआ है और एक जम्मू कश्मीर वाला प्रदेश है उसको अलग किया हुआ है, उसी में एक रीजन बनाया हुआ है। और श्रीनगर को इन्होंने एकमात्र नगर माना है, यहाँ का विकसित नगर या बड़ा नगर माना है जहाँ औद्योगिकरण की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है गंगा सिंधु। अब देखिए गंगा सिंधु मैदान के आधार पर इन्होंने तीन प्रदेश बता दिए, तो ये अपन को ध्यान रखना है। गंगा सिंधु के मध्य का मैदान गंगा यमुना का मैदान, इसमें कानपुर इलाहाबाद वाला आ जाएगा, और ये ऊपरी गंगा मैदान भी बोल सकते हैं। और फिर निम्न गंगा मैदान है, पटना कोलकाता बरौनी वाला एरिया आ जाएगा, ये झारखंड और कोलकाता वाला बोल सकते हैं अपन, हुगली नदियों वाला बेसिन है वो सब आ जाएगा निम्न गंगा मैदान में। फिर है उत्तर पूर्वी प्रदेश, ये जो 13th है ये लास्ट है, अपन पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं, ये इसमें शामिल है। पूर्वोत्तर भारत का पूरा भाग है वो 13वां जो इन्होंने बताया है उसमें ये आएगा। तो अपन इसका मैप देख लेते हैं तो मैप से और अपने क्लियर हो जाएगा। ये सब यहाँ पे बताए हुए हैं सारे प्रदेश। यहाँ पे यहाँ नीचे से शुरू करते हैं अपन। कोयम्बटूर बताया था फर्स्ट जो इनका था, इसमें अपन कोयम्बटूर प्रमुख नगर है। फिर सेकंड में बेंगलुरु प्रमुख नगर है, बेंगलुरु और हैदराबाद प्रमुख नगर बताए थे, बेंगलुरु और हैदराबाद। फिर थर्ड जो है उसमें नासिक, पुणे और मुंबई प्रमुख नगर बताया था, इसमें मुंबई प्रमुख नगर हो जाएगा यहाँ का। फोर्थ है इसमें नागपुर प्रमुख नगर है फोर्थ में। फिफ्थ जो है इसमें जो औद्योगिक एरिया है जो अपन ने देखा था, राउरकेला, भिलई, जमशेदपुर, रांची, भुवनेश्वर, ये वाला सारा एरिया आ जाएगा इसमें। तो अपन को याद तो नहीं रखना बट एक ऐसे पता होना चाहिए कि 13 जो प्रादेशिक जो बताए थे, अलग अलग प्रदेश बताए थे, वो सी एस चंद्रशेखर के हैं और सबसे ज़्यादा मान्य भी वही हैं। 5 नंबर हो गया था। 6 नंबर में गुजरात वाला प्रदेश बताया था इन्होंने, 6 नंबर में गुजरात वाला प्रदेश, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, ये सब हो जाएंगे इसमें। और फिर 7 नंबर में राजस्थान, 7 और 8 में राजस्थान है, इसमें एक तो अरावली वाला प्रदेश हो जाएगा 8वें नंबर में। तो 8वें में तो अरावली के जयपुर, कोटा, ये वाले इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। और एक बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर वाला प्रदेश है जो 7वां प्रदेश है, वो 7-8 हो गए राजस्थान से रिलेटेड। फिर 9वां जो है वो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया आ जाएगा इसमें। श्रीनगर यहाँ का प्रमुख नगर बताया था। 10वां जो है ये गंगा सिंधु वाला प्रदेश है, गंगा सिंधु वाला प्रदेश है, इसमें शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब आ जाएंगे। 11वां जो है वो है लखनऊ, कानपुर, ये गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र आ जाएगा। 11वें में है गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र। या इसके बाद है 12वां, 12वें में है निम्न गंगा मैदान। निम्न गंगा मैदान में क्या क्या शामिल हो जाएगा, वाराणसी है, वाराणसी आ जाएगा इसमें, और इसमें हुगली वाला जो क्षेत्र है वो सब आ जाएगा, बरौनी है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर में पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत का पूरा जो भाग है शिलोंग, असम के डिब्रूगढ़, जो खनन क्षेत्र वाला एरिया है, गुवाहाटी, ये सब आ जाएगा इसमें। तो ये अपन ने चंद्रशेखर के प्रदेश पढ़े हैं, 13 जो चंद्रशेखर ने प्रदेश बताए थे। और इसके साथ अपन को एक बार फिर इसको देख लेते हैं अपन। अरावली प्रदेश प्रायद्वीपीय जो भाग है उसको 4 भागों में बांटा, देखिए दक्षिण प्रायद्वीपीय, मध्य प्रायद्वीपीय, पश्चिमी प्रायद्वीपीय, पूर्वी प्रायद्वीपीय, 4 भाग तो यही हो गए। इस प्रकार से याद रख लेंगे अपन, एक दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है मैप के साथ साथ देखेंगे तो। तो अपन ने इसमें भारत के नियोजन प्रदेश पढ़ लिए, एक मैप ये भी देख सकते हो आप, कलरफुल मैप है काफ़ी, इसमें भी वही सब बताया है, ये जो प्रदेश बताए हैं सारे, इसमें बॉर्डर भी बताई हुई है, इसमें जो बाहर की बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और बीच में जो ब्लैक ये लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन है मैक्रो रीजन को अलग करती है, ये मैक्रो रीजन को अलग करने वाली लाइन है रेड वाली, और इसके साथ ये जो मेसो बिल्कुल डॉटेड दिख रही है ये मेसो वाली लाइन है। तो इससे भी आप देख सकते हो मैप को, अच्छे से टैली कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। तो बहुत ऑनलाइन पढ़ने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप मन लगा के पढ़ना चाहो तो। अब इसके साथ साथ अपन क्या देखेंगे, अपन ने जो भी थिंकर्स पढ़े थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल्याण सुंदरम को पढ़ा था अपन ने, कल्याण सुंदरम का वर्क पहले भी डिस्कस कर लिया था और एक बार फिर देख लेते हैं अपन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है ये, 1958 से 1967 इनका समय है, और इनका मद्रास या चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। इंडियन है नेशनलिटी, और इनको पद्म विभूषण, जो सेकंड लेवल का जो सम्मान होता है पद्म भूषण के बाद पद्म विभूषण, वो इनको मिला हुआ है कल्याण सुंदरम को।
अब आपको ये मैंने दूसरी बार हो गया है रिवाइज करा रही हूँ, तो अब इसमें थिंकर्स में कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आर पी मिश्रा का वर्क भी न्यूज़न में है, इनकी मेन जो बुक है वो अपने को ध्यान रखनी है, पॉपुलेशन और मेडिकल ज्योग्राफी में इनका वर्क है, बुक है इनकी रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, ये बुक आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ने मिलकर लिखी है, आर पी मिश्रा, के वी सुंदरम, कल्याण सुंदरम और बी एल एस प्रकाश राव। बीमारू दिमारू स्टेट का जो कंसेप्ट है वो भी अपन देखेंगे। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पर भी इनका वर्क है, तो अपने को सिर्फ ये याद रखना है रूरल डेवलपमेंट और रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक देखी थी अपन ने, उसको अपन एक बार फिर से रिवाइज किया है। नेक्स्ट देखते हैं बी एल एस प्रकाश राव का समय है 1942 में इनका जन्म है, 1942 में जन्म है और इनका अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1942 में। स्टेटिस्टिकल जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स जो स्टेटिक्स है उनमें इनका वर्क है, अवार्ड भी मिला हुआ है इनको, मैथमेटिक्स स्टेटिक्स में इनका है ये, और ये एक अवार्ड है पी वी सुखात में 2008 में इनको अवार्ड मिला हुआ है। ये सब इनका देख लिया अपन ने, इनको अपन ने पहले एक बार देखा हुआ है डिटेल में, यहाँ जस्ट एक बार याद हो जाए चीज़ें आपको, फिर से रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए, इसलिए अपन यहाँ देख रहे हैं इनको। 1942 में इनका बर्थ है। बी एल एस प्रकाश राव को देख लिया, अब एक अशोक मित्रा का भी देख लेते हैं अपन। अशोक मित्रा का समय 1928 और इनका पूर्वी बंगाल जो है ढाका में इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश टाइम में, 2018 में इनकी डेथ हो गई, इंडियन नेशनलिटी है इनके पास, इनको भी अवार्ड मिला हुआ है, साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित है ये। और इनका जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है वो जनगणना में त्रिआधारी आरेख जो है ये इनका पूछा जाता है। 1961 की जो जनगणना थी उसमें इन्होंने कस्बों के प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्लासिफिकेशन के लिए त्रिआधारी टर्सरी डायग्राम दिया था इन्होंने, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने से पूछा जाता है बार बार। तो इस लेक्चर में अपन ने भारत के नियोजन प्रदेश पढ़े हैं और इसके साथ ही जो भी अपन ने पहले इससे पहले जो भी अपन ने पढ़ लिए थे थिंकर्स, उनको एक बार फिर से अपन उनका व्यू लिया है ताकि आपको फिर से याद हो जाए। तो ये अपना लेक्चर नंबर नाइन था। इसके बाद 10th जो लेक्चर आएगा अपना उसमें अपन प्रदेशों के प्रकार पढ़ेंगे, फंक्शनल रीजन क्या होते हैं, प्रदेशों के प्रकार, प्राकृतिक प्रदेश क्या होते हैं, कर्मोपलक्षी प्रदेश क्या होते हैं, कार्यात्मक प्रदेश क्या होते हैं, इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रदेश हैं उनका प्रकार पढ़ेंगे अपन। और इस जो लेक्चर है इसकी आप पीडीएफ है वो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस ब्लॉग पे जाके आप इसकी पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, जो भी नोट्स हैं अपने उनमें इनको ऐड कर सकते हो, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली है सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। धन्यवाद।